गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे टर्म टू का सिलेबस चैप्टर 9 से, दैट इज स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एनिमल हस्बेंड्री हम बोलते हैं इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग केयर, practice of taking care and breeding domestic animals, domestic यानी कि जिनको हम घरों में रख सकते हैं, पाल सकते हैं, ऐसे domestic animals को breed करना, उनकी care करना by applying scientific principles, जिसमें हम scientific principles यानी कि कुछ साइंस को भी यूज कर सके और उनको आसानी से ब्रीड करा सके। इसमें हम जो है इन एनिमल्स के लिए टर्म यूज करते हैं लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक मीन्स ऐसे एनिमल्स जिनको हम रियर कर सकते हैं, जिनको हम अपने घरों में पाल सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लाइफ स्टॉक। तो ह्यूमंस के लिए, ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए एनिमल हस्बेंड्री कहाँ काम आती है? पहला काम है कि हमें एनिमल हस्बेंड्री से मिल्क मिलता है। काओ, बफेलो, गोट, कैमल, ये सब हमें मिल्क देती हैं। सेकंड, हमें जो है एग मिलता है, मीट मिलती है, हनी मिलता है फ्रॉम हनी बीज, क्योंकि हनी बीज को भी हम रियर करते हैं तो वो भी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ही आ जाते हैं। फिर हमें मिलते हैं फाइबर्स यानी कि धागे, जिनसे कि कपड़े बनते हैं, कई तरह के फर्नीचर तैयार होते हैं। हाइड्स, हाइड्स यानी कि एनिमल्स की जो बाहर की जो स्किन होती है उसके हम कई जो अपने वूलन्स बनाते हैं, लेदर बनता है उसी से ही, तो हाइड्स यूज होती हैं। फिर एनिमल्स जो है वो वर्क के काम आते हैं, मींस वो लोग काम करते हैं और उसकी वजह से हम लोग जो है वो हमारा एक लाइवलीहुड यानी कि हमारा रोजगार का एक साधन भी है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है। तो ये एनिमल्स हमें वर्क एनिमल्स की तरह भी काम आते हैं और कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। इसके अलावा कुछ एनिमल्स का वेस्ट जो है वो भी हमारे काम आ सकता है, जैसे कि हॉर्न्स, सींग। कई एनिमल्स के जो हॉर्न्स हैं, जो सींग हैं, उनसे कई तरह के ऑर्नामेंट्स बनते हैं यानी कि ज्वेलरी बनती है। फेदर्स हैं, उनसे कई तरह की आइटम्स बनती हैं, बोन से बनती हैं। काउ डंग जो है वो भी आता है, जैसे कि काउ डंग को हम देखते हैं कि उससे हम गोबर गैस जो है वो या मिथेन गैस बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है कई सारे प्रोडक्ट्स बनाने में यूज होती है। तो एनिमल हस्बेंड्री ह्यूमन वेलफेयर के लिए इस काम आ सकती है, यानी कि हमारे फायदे के लिए एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि ऐसे एनिमल्स को रियर करना जिनसे ये सारे प्रोडक्ट्स हमें मिल सकते हैं, उनसे हमें ये फायदे हो सकते हैं। तो दिस इज अबाउट एनिमल हस्बेंड्री। अब इन एनिमल्स को जिनको हम एनिमल हस्बेंड्री में रियर करेंगे, उनकी हम मैनेजमेंट कैसे करें, मींस उनके हम फार्म्स बना देते हैं, जैसे डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, एग्रीकल्चर फार्म्स, तो ये सारे फार्म्स को हम मैनेज कैसे करें, क्या क्या हमें इसमें ध्यान देने वाली चीजें होंगी कि इन फार्म्स से में रहने वाले एनिमल्स भी सुरक्षित रहे, हमें प्रोडक्शन भी ज्यादा दे। तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट जो है ज्यादातर जो है किस चीज पे हमें ध्यान देना चाहिए, पहली चीज जो ध्यान देना चाहिए वो होना चाहिए कि एनिमल्स को एक अच्छी क्वांटिटी में वाटर मिलना चाहिए। काउ बफेलो जैसे एनिमल्स जो है वो वन टाइम में बहुत सारा वाटर कंज्यूम कर लेते हैं, तो पानी उनको खुला जो है वो मिलना चाहिए। जो एनवायरमेंट है वो डिजीज फ्री होना चाहिए, यानी कि वहां पर साफ सफाई का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा हमें कैटल्स को जो फीड देना है उसमें हमें सारे न्यूट्रिएंट्स का पता करना है। सारे न्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब जो है हर उसी अमाउंट में होने चाहिए जितना एनिमल का बॉडी वेट है, जो उसकी स्पीशीज है, जो उसकी ब्रीड है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसको वो देना चाहिए। एनिमल्स की फीड को हम क्या बोलते हैं, फॉडर यानी कि चारा। इसके अलावा वहां पर जो है एक वेट, वेट क्या होता है, जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं वो रेगुलर विजिट करें, प्रॉपर जो है एनिमल्स को वैक्सीनेशन दे, जिस जिस बीमारी से बचने की वैक्सीनेशन है तो उनको वैक्सीनेशन लगाई जाए। तो इस तरह से हम फार्म्स को मैनेज कर सकते हैं। डेयरी फार्म की मैनेजमेंट में भी हमें
यही चीजें होंगी कि हमें मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो डेयरी फार्म हम बनाते हैं तो उसमें हमें इन सब बातों का ध्यान करना है। ऐसे ही पोल्ट्री फार्म जहां से हमें एग्स वगैरह मिलते हैं, जैसे चिकन जहां पर हम रखते हैं, डक्स भी रख सकते हैं, टर्की भी रख सकते हैं, डक्स जैसी होती हैं ये, और गीज, इन सबको हम पोल्ट्री फार्म में रखते हैं। और इन सबको भी हमें मैनेज करने का, इस फार्म को मैनेज करने का भी तरीका अगेन यही है कि उनके लिए हम एडिक्वेट वाटर रखें, डिजीज फ्री एनवायरमेंट रखें, सेफ कंडीशंस रखें, और वेट का रेगुलर वहां पर विजिट होना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने फार्म्स को मैनेज कर सकते हैं। फिर है एनिमल ब्रीडिंग। अब हमने एनिमल्स को अच्छे से रख तो लिया, हमने एनिमल्स को अच्छे से फार्म्स में मैनेज तो कर लिया, अब हम उनको ब्रीड यानी कि उनकी रिप्रोडक्शन कैसे कराएं ताकि जो भी नई प्रोजेनी बने, प्रोजेनी हम किसे बोलते हैं, नई जनरेशन को, तो जो नई जनरेशन के एनिमल्स बने वो कैसे हो, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटीज वाले हो, यानी कि अगर कोई मिल्क देने वाला है तो उसकी मिल्क की प्रोडक्शन ज्यादा हो, मिल्क में प्रोटीन ज्यादा हो, मिल्क की क्वालिटी अच्छी हो, तो ऐसी ब्रीड, ऐसी प्रोजेनी जो है हमें ब्रीडिंग से बनानी है। तो ब्रीडिंग के बारे में पता करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ब्रीड क्या होता है। व्हाट इज अ ब्रीड? ब्रीड क्या होता है? ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट, जो पीछे से एवोल्यूशन में डिसेंट से रिलेट होना, मतलब जिनके पूर्वज एक ही हैं। जैसे सपोज कर लो कि दो कजन्स, हम इनको कजन्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोनों के परदादा, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, वो दोनों भाई थे, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, परदादा दोनों के भाई थे, तो इस हिसाब से ये दोनों भी क्या हो गए, कजन्स हो गए। तो दे आर रिलेटेड बाय डिसेंट, यानी कि वो पीछे से एक ही पीढ़ी के चलते हुए आ रहे हैं। तो उनके जनरल कैरेक्टर्स भी सेम होने चाहिए, कई फीचर्स होते हैं जनरल कैरेक्टर्स के, लाइक उनका साइज, उनकी कॉन्फ़िगरेशन, कि वो कैसे, किस हिसाब से उनकी बॉडी जो है डिवाइडेड है, अगर वो एक जैसी है तो हम क्या कहेंगे, वो एक जैसी ब्रीड के हैं। फिर एक टर्म आती है इनब्रीडिंग, तीन टर्म्स आएंगी इसमें, इनब्रीडिंग, सेकेंड जो है दैट इज क्रॉस ब्रीडिंग, और एक टर्म है आउटब्रीडिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म्स को हम अच्छे से समझेंगे क्या है ये टर्म्स। सबसे पहले इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग मतलब कि ऐसी ब्रीड्स या ऐसी स्पीशीज जो कि क्लोजली रिलेटेड है। क्लोजली रिलेटेड का मतलब कि वो जो है इंडिविजुअल्स जो है उनके पीछे से पूर्वज एक ही है, तो ऐसी जनरेशन को, ऐसे स्पीशीज को 4 से 6 जनरेशन तक आपस में ब्रीड कराना। जैसे काओ की, जैसे कोई साहिवाल एक वैरायटी है काओ की, ठीक है, तो साहिवाल टाइप की काओ और साहिवाल ही बुल, उसी के एक ही वैरायटी का कोई एक बुल, अगर इन्हीं दोनों को हम एक साथ 4 से 6 जनरेशन तक हम लगातार इनको ब्रीड कराते हैं आपस में, तो क्या होगा, एक ही जनरेशन, मतलब एक ही तरह के होने के, एक ही ब्रीड होने का मतलब क्या है कि इन दोनों के करेक्टर्स मिलते हैं, यानी कि इनके अंदर वेरिएशंस जो है वो क्या होंगी, कम होंगी, यानी कि इनका जो डीएनए है या इनके जो क्रोमोसोम है वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, मिलते जुलते हुए होंगे, इसका मतलब वेरिएशंस कम होंगी। वेरिएशंस कम होने की वजह से क्या होता है कि मान लो कोई एक बीमारी लग गई, तो जो काओ को बीमारी लगी है वो इसको भी लगेगी, अगर काओ उससे मर जाती है क्योंकि क्रोमोसोम सेम है तो बुल भी उससे मर जाएगा, यानी कि इनसे होने वाले जो बच्चे उनको भी वही बीमारी एक साथ लग जाती है। तो हम क्या चाहते हैं कि वेरिएशन ज्यादा से ज्यादा आए, ये हम चैप्टर 5 और 6 में डिस्कस कर चुके हैं कि वेरिएशन का हमें फायदा क्या होता है। तो अगर सेम ब्रीड के होंगे दोनों तो मुश्किल आ जाएगी, इसलिए हम क्या चाहते हैं, वेरिएशन जो है वो ज्यादा हो, और ज्यादा वेरिएशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको आउटब्रीडिंग करानी पड़ेगी, क्रॉस ब्रीडिंग करानी पड़ेगी। अगर एक ही स्पीशीज के दो लोग होंगे तो 4 से 6 जनरेशन के बाद उनके अंदर क्या आ जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी कि वो क्या हो जाएंगे, दे विल बिकम स्टराइल और
इनफर्टाइल, यानी कि उनकी जो है आगे रिप्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी। अब वो आपस में किसी भी तरह से जो है वो ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, आउटक्रॉसिंग करवानी पड़ेगी। 4 से 6 जनरेशन तक अगर एक जैसी स्पीशीज को हम ब्रीड कराते हैं तो उनमें क्या आ जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ऐसे केस में हमें क्या कराना पड़ेगा, क्रॉस ब्रीडिंग या आउटक्रॉसिंग, या हम इसको आउटब्रीडिंग भी बोलते हैं। आउटब्रीडिंग एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, अनरिलेटेड एनिमल्स की ब्रीडिंग। अनरिलेटेड एनिमल्स मीन्स जो दो आपस में नहीं मिलते हैं उन दोनों के बीच में ब्रीड कराना। अब ये दोनों सेम स्पीशीज के भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट स्पीशीज के भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट ब्रीड भी हो सकते हैं और डिफरेंट स्पीशीज भी हो सकती है। यानी कि सेम स्पीशीज सेम ब्रीड में नहीं करना है, डिफरेंट ब्रीड हो डिफरेंट स्पीशीज हो। तो ऐसा करने से जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है यानी कि उनमें जो इनफर्टिलिटी आ जाती है वो चीज खत्म हो जाती है। हाँ जी, इतना जो मैंने बताया है क्या ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट इज क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है कि एक सुपीरियर क्वालिटी का मेल और एक सुपीरियर क्वालिटी की फीमेल, ये दोनों हम चूज करेंगे, मेल जिसके सुपीरियर कैरेक्टर्स हैं, फीमेल जिसके सुपीरियर कैरेक्टर्स हैं, और हम सोच समझ कर जो हमें क्वालिटीज चाहिए अपने डेयरी फार्म में एनिमल्स की, हम ऐसी क्वालिटीज इन दोनों की चूज करेंगे और इन दोनों की ब्रीडिंग कराएंगे। तो क्या होगा, इन दोनों की ब्रीडिंग से जो नई प्रोजेनी बनेगी उसके अंदर दोनों के कैरेक्टर्स होंगे। सपोज कर लो मेल ऐसा हो जिसकी बिल्टअप काफी भारी हो, जो अच्छा लंबा चौड़ा हो, जिसमें मसल्स ज्यादा हो, और फीमेल हमें कैसी चाहिए, जो कि ज्यादा मिल्क यील्ड करती हो। तो दोनों ही क्वालिटीज को मिलाकर जो ब्रीड बनेगी वो क्या होगी, एक बेस्ट ब्रीड हमारे पास बन जाएगी। दिस इज क्रॉस ब्रीडिंग। अब ये सारा काम जो है, हमने दो अलग अलग ब्रीड ली और हम चाहते हैं कि वो जो है दोनों ब्रीड्स में आपस में मेटिंग हो जाए, लेकिन हो सकता है एक ब्रीड जो है वो हमारे यहाँ पर है और दूसरी ब्रीड हो सकता है अमेरिका में मिलती हो, किसी और कंट्री में, किसी और स्टेट में मिलती हो। तो हम अपने एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट करने की बजाय क्या तरीका अपनाते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि मेल जो है उसका सीमन कलेक्ट करते हैं, मेल जो एनिमल है उसका सीमन को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और उसको डायरेक्टली फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में इंजेक्ट कर दिया जाता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब सीमन जो है अगर तो इमिडिएटली जा सकता है तो ठीक है, अगर नहीं तो हम इसको कुछ देर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम फ्रोजन फॉर्म में रखेंगे, काफी लो टेम्परेचर तक इसको हम रखेंगे, और फिर ट्रांसपोर्ट करके हम फीमेल के यहां तक इसको पहुंचा सकते हैं। हर एक के सीमन के कुछ डेज होते हैं, कुछ लिमिट होती है। अब इससे क्या है, नॉर्मल मेटिंग की कई प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है कि मेल कहीं और है, फीमेल कहीं और है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से हम इसको पूरा कर सकते हैं। अब जो नई ब्रीड बनेगी हम हाइब्रिड भी बना सकते हैं, हम अच्छी क्वालिटी की ब्रीड भी यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही करने का हमारे पास एक बहुत ही अच्छा तरीका है एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो, दैट इज MOET. MOET की फुल फॉर्म है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। इस प्रोसेस में क्या है, हम करते हैं हर्ड इंप्रूवमेंट। हर्ड इंप्रूवमेंट का मतलब है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की, एनिमल की जो ब्रीड की क्वालिटी है उसको हम बढ़ा रहे हैं, हम ब्रीड की क्वालिटी को बहुत अच्छा कर रहे हैं, दैट इज हर्ड इंप्रूवमेंट। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि नॉर्मली कोई भी एक सपोज कर लो काउ है, तो वो हर मंथ जो है उसकी बॉडी से नॉर्मली एक ही एग रिलीज होता है, लेकिन जब उस फीमेल ने एग रिलीज करना है हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर करते हैं सुपर ओव्यूलेशन।
सुपर ओव्यूलेशन मतलब अब एक के बजाय अगर वो फीमेल जो है 4 से 6 eggs रिलीज कर दे एक ही महीने में, तो जहां एक एनिमल बनना था नया नया बेबी एक बनना था, वहां 4 से 6 नए बेबी बन सकते हैं। ये सुपर ओव्यूलेशन करवाने के लिए हम क्या करते हैं, FSH हार्मोन दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इंजेक्शन जो है वो हम उस फीमेल को लगाते हैं, इससे उसके पास 4 से 6-8 तक एग्स जो है वो रिलीज होने लग जाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये जो एग्स वाली फीमेल है इसकी हम मेटिंग कराते हैं एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बुल से, चाहे तो नॉर्मल मेटिंग कराएं चाहे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएं, दोनों ही तरीके से स्पर्म जो है उसके अंदर चले जाएंगे और अब की बार स्पर्म एक एग से नहीं 4 से लेकर 8 eggs के साथ जो है वो फ्यूज होगा, यानी कि 4 से लेकर 8 नए एम्ब्रियो बन जाएंगे। ये एम्ब्रियो जब 8 से 32 सेल स्टेज के होते हैं, मींस ये एक एम्ब्रियो है, पहले ये डिवाइड हुआ 2 सेल में, फिर 4 और फिर 8 फिर 16 फिर 32, तो 8 stage 16 वाली स्टेज या 32 वाली स्टेज से हम इन एम्ब्रियोज को उस काऊ की बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। मान लो कि यहाँ पर 5 एम्ब्रियो थे काऊ के अंदर, तो हम 5 एम्ब्रियो को उसकी बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। अब ये जो नए 5 एम्ब्रियोज हैं इनका हम क्या करते हैं, इन 5 एम्ब्रियोज को हम किसी ऐसे काउ के यूट्रस में डाल देते हैं जो कि मिल्क नहीं देती, जो डेयरी फार्म में किसी काम की नहीं है, जो मिल्क नहीं दे रही है, तो हम इनके अलग अलग 5 cows के अंदर एक एक एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देते हैं। इससे क्या होगा कि अब ये जो 5 cows हैं, ये 5 cows जो है ये आसानी से जो है अपने अंदर एम्ब्रियो को डेवलप कराती रहेंगी, एक एक एम्ब्रियो सबके अंदर डेवलप होगा और ये एक हेल्दी बेबी को डिलीवर करेंगी। अब बेबी के करेक्टर जो होंगे काफ के, ये जो बछड़ा है उसके करेक्टर कौन से होंगे, जो मेल और फीमेल के थे वो हमने अच्छी क्वालिटी के ले लिए, सिर्फ उसने जो है अपने अंदर उसको नरिश किया है, तो हमारे पास जो एम्ब्रियो बने वो 5 एक साथ तैयार हो गए और वो भी सब कौन, सुपीरियर क्वालिटी के, ठीक है। और इस दौरान क्या हुआ, ये जो काओ थी जिसके अंदर हमने सुपर ओवुलेशन और ये सब किया था, ये काओ भी फ्री है, ये भी हमें मिल्क लगातार दे रही है, तो हमारा मिल्क का नुकसान भी नहीं हुआ और एट अ टाइम 5 babies भी, जहां एक होना था वहां 5 babies भी हो गए और मिल्क प्रोडक्शन को भी बीच में कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल ओव्यूलेशन या सुपर ओव्यूलेशन, एक से ज्यादा ओवम का बनना, एम्ब्रियो ट्रांसफर, फिर एम्ब्रियो बनाकर उस एम्ब्रियो को किसी दूसरी काओ की बॉडी में डाल देना जो और किसी काम नहीं आती है। क्लियर है बेटा यहां तक, एनी डाउट्स? ओके है, नो मैम, डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड टू बोल भी सकते हो। हां जी बोलिए मैम, सब ओके है। ओके जी, गुड। सो नेक्स्ट टॉपिक इज बी कीपिंग और एपिकल्चर। जिनके पास खेत होते हैं तो वो खेतों के साइड पर छोटे छोटे बॉक्स इस तरह से लगाकर रख देते हैं और उसके अंदर हनी बीज को पालते हैं। हनी बीज की रेयरिंग जो है, यानी कि हनी बीज को पालना, कैसे पालते हैं हम, उनकी जो हाइव्स हैं, जो उनके छत्ते हैं, उनको मेंटेन करते हैं। हम इनको खेतों के अंदर ही क्यों रखते हैं, क्योंकि वहां पर फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स पर हनी बीज आती हैं, तो वहां से हम इनको, यहाँ से उनको कलेक्ट कर सकते हैं। मेन कारण बी कीपिंग का क्या है, बी वैक्स को लेना, हनी के लिए नहीं क्योंकि हनी इतना यूज नहीं होता, लेकिन हनी बीज से जो वैक्स निकलता है वो कई तरह के कॉस्मेटिक्स के अंदर, कई तरह की पॉलिशेस के अंदर यूज होता है। अपने आसपास जो भी कॉस्मेटिक पॉलिशेस देखो तो उसमें देखना, उसमें लिखा होगा बी वैक्स गला है उसके अंदर, तो इसके लिए हम इसको जो है वो यूज करते हैं एपिकल्चर को। अब एपिकल्चर के लिए हमें कुछ ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, हमें क्या होना चाहिए, हमें नेचर और हैबिट्स पता होनी चाहिए हनी बी की, कि वो कहाँ पर बैठना पसंद करती हैं, कितनी देर बैठती हैं। फिर हमें प्रॉपर जो है लोकेशन पता होनी चाहिए कि इस एरिया में ये वाली हनी बी बैठती है, यहाँ पर फ्लावर्स कैसे होने चाहिए।
तीसरा जो है हमें उनको कैचिंग के बारे में पता चलना चाहिए कि हमने उनको कैसे स्वार्म्स को, स्वार्म होता है ग्रुप, एक साथ झुंड बना के मधुमक्खियां जाती हैं उनके ग्रुप को हम बोलते हैं स्वार्म्स, तो एक साथ पूरे झुंड को हम कैसे पकड़ सकते हैं, और इनके जो बी हाइव हैं, जो छत्ते हैं, उनकी हम मैनेजमेंट कैसे करें, उनको हम साफ सुथरा कैसे रखें। देन कम्स हैंडलिंग एंड कलेक्शन, हम उनको कैसे हैंडल करें और कैसे कलेक्ट करें उनमें से बी वैक्स, ये हमको ये चीजों का ध्यान रखना होता है। और इस तरह से करकर हमने जो है हनी बीज की अच्छी खासी जो वैरायटीज हैं उनको हमने जो है वो रियर किया है, और ये बहुत आसान होता है, एक एक्स्ट्रा रोजगार का भी तरीका इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है बिना कोई खर्चा किए तकरीबन 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं होता इन बॉक्सेस पे, और हम जो है एपिकल्चर या बी कीपिंग की प्रैक्टिस करकर हम आसानी से इन बीज को पाल सकते हैं और एडिशनल इनकम जो है वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फिशरीज, नेक्स्ट है फिशरीज। फिशरीज में हम क्या करते हैं, हम फिशरीज का मतलब जो है इसको हम एक्वा कल्चर भी बोलते हैं, ठीक है, या सेरिकल्चर, एक ही रह गया। सेरिकल्चर होता है सिल्क वॉर्म को रियर करना, और एक्वा कल्चर मीन्स एक्वाटिक एनिमल्स। सिर्फ फिशेज नहीं, इसके अंदर आ जाते हैं प्रॉन्स, क्रैब्स, इसके अंदर आ जाती हैं फिशेज, जितने भी ऐसे जो एडिबल हैं, जैसे ऑयस्टर्स भी हैं कई, जिन चीजों को खाते हैं लोग, तो वो सारी चीजें जो है, लॉबस्टर्स भी होते हैं एक, जिन लोगों को एज नॉन वेज सी फूड की तरह लोग खाते हैं, इन सब को रियर करना इज एक्वा कल्चर और फिशरीज। इसी की वजह से हमारे यहाँ पर जो है ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो आई है। ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि हमने सी फूड की इतनी ज्यादा अमाउंट जो है ग्रो कर ली, जैसे बंगाल और जो कोस्ट समुद्र के किनारों पर जो लोग बसे हैं वो ज्यादातर यही फूड खाना पसंद करते हैं, सी फूड उनको सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है, तो वो इन्हीं को ही खाना पसंद भी करते हैं। तो यही सी फूड जो है अगर उनको ज्यादा अमाउंट में मिले तो यानी कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन को हम जो है किसी भी तरीके से उनको हम फीड कर सकते हैं। तो ये जो ब्लू रेवोल्यूशन है इसकी वजह से आज हमारे पास इतनी ज्यादा जो है वैरायटीज हो गई हैं सी फूड की, और इसे हम क्या बोलते हैं, फिशरीज या एक्वा कल्चर। ठीक है, पर्टिकुलरली फिशेस को ही रियर करना इज पिसिकल्चर, और सारे ही एक्वाटिक एनिमल्स को करना इज एक्वा कल्चर। ऐसे ही हम सिल्क वॉर्म को भी रियर करते हैं, जो शीशम है शीशम के पेड़ लगा दिए जाते हैं, शीशम के पेड़ के पत्तों के ऊपर सिल्क वॉर्म का जो लार्वा है वो इस पे ग्रो करता है इन पत्तों को खाकर, और जब ये लार्वा जो है कुछ हद तक ग्रो हो जाता है तो इसको हम गर्म पानी के अंदर इसके लार्वा को डाल देते हैं, और इसमें से ऊपर की ओर जो फाइबर्स आ जाते हैं वो होते हैं सिल्क फाइबर्स, और इस तरह से इनका लार्वा खत्म हो जाता है, और फाइबर्स को फिर हम इकट्ठा कर फिर एक साथ जो है बनाकर हम सिल्क का कपड़ा जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, ये होता है सेरी कल्चर। लास्ट जो है टॉपिक आज का, दैट इज ब्रीड्स। आपने कोई भी 3 ब्रीड्स के नाम अच्छे से याद कर लेने हैं, जैसे हम पहले ब्रीड्स की टाइप कर रहे हैं। एक ब्रीड्स होती है मिल्च ब्रीड्स, मिल्च ब्रीड्स यानी कि जिनसे हमें प्रोडक्ट्स अच्छे मिलते हैं, जिनसे हमें मिल्क जो हमें देती हैं वो होगी मिल्च ब्रीड्स। दूसरी होती है ड्रॉट ब्रीड्स, जो मिल्क तो नहीं देती लेकिन वो हमारे जो है किसी भी तरीके से वर्किंग एनिमल्स होते हैं, हमें काम करके ट्रांसपोर्ट करके या खेतों में काम करके हमारे लिए काम करते हैं। और तीसरे होते हैं जनरल यूटिलिटी। जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स मतलब जो अगर हम कहें कि ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा मिल्क देते हैं, खाली मिल्क देने के काम भी नहीं आ सकते, और ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छा जो है वो सामान वगैरह ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, वर्क कर लेते हैं, दोनों ही काम ठीक ठाक कर लेते हैं, वो हो गए जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स।
अब ये जो ब्रीड्स हैं ये भी दो तरह की होती हैं, एक जो है ब्रीड्स होती हैं हमारी इंडिजीनियस यानी कि देसी ब्रीड्स, और एक होती है एग्जॉटिक यानी कि अंग्रेजी जिनको हम बोलते हैं बाहर की ब्रीड्स। तो काउ की अगर हम बात करें तो उनकी ब्रीड्स हैं करन स्विस, सुनंदनी एंड करन फ्राइज। एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं जर्सी, एरिशियर एंड ब्राउन स्विस। तो इनमें से कोई भी तीन नाम जो आपको आसान लगे वो आप याद कर सकते हैं। ऐसे ही बफेलो की भी है, बफेलो की होगी मुर्राह, सूरती, नीली रावी, ठीक है, इस तरह से इनका नाम है। कोई भी आपको तीन नाम जो आपको याद रहे अच्छे से वो आप नेम जो है वो इनके याद रख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हाँ जी,